ओवरथिंकिंग, एक बात बताओ ओवरथिंक कैसे करेगा? सोचने के लिए दिमाग चाहिए, वो तो है नहीं। ओवरथिंक क्या करेगा रे गधा इंसान, पढ़ना शुरू कर। ओवरथिंक से कुछ नहीं होता। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा है ज्यादा सोचने की वजह से सेलेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो ओवरथिंकिंग को ओवरकम करके सिर्फ पढ़ाई करते हैं। एक ही चीज से होगा वो है पढ़ने से, ज्यादा सोचने से ना कुछ सोच के क्या कर लेगा बता? समय ही तो खराब करेगा ना, सोच के क्या कर लेगा समय? क्यों सोचना भाई, तू बस एक चीज पे फोकस रख कि तू सिस्टमेटिक तैयारी कर, एक तरीके से पढ़। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी कमियां क्या ये तुम्हें पता होना चाहिए, कहां पे तुम लैग करो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरे नंबर क्यों कमा रहे हैं, मेरा कौन कौन सा पोर्शन रिवीजन करना बच गया है, क्या मैं पढ़ रहा हूं। होशो आवाज में पढ़ो, बेहोशी की तरह मत पढ़ो, अपने होशो आवाज में पढ़ो लेकिन पढ़ो एकदम क्रांतिकारी तरीके से। बस इतना देखो रोज शाम को कि 24 घंटे में से तुम्हारा 12 घंटे 13 घंटे का फुलफुल स्टडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100% दिमाग तुम्हारा वहां पर पढ़ाई में इंगेज है कि नहीं है। तुम जाने यहां पर ध्यान से पढ़ते नहीं हो, पढ़ते समय 10 तरह की बातें सोचते हो। अब तुमसे जब सवाल नहीं होते तो तुम ओवरथिंकिंग करते हो। ओवरथिंकिंग एक रिजल्ट नहीं है, ओवरथिंकिंग प्रोसेस है पूरा। पहले तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोकस नहीं किए, सवाल नहीं बनेगा, फिर ओवरथिंकिंग करो। पहले पढ़ लेना ढंग से, एंगेजमेंट आवर बढ़ा अपना, शांत कर मन को और पढ़ाई में ध्यान लगा। सब कुछ पॉसिबल है अगर अपना 100% फोकस कंसंट्रेशन दोगे तो। मैंने बहुत सोचा कि यार बच्चे से सवाल क्यों नहीं होता होगा यार, इतना सारी चीजें तो बता दी मैंने, लेकिन सारी चीजें बच्चा सुनेगा तब ना, सुनेगा तब ना, सुन तो ले कम से कम मास्टर क्या कह रहा है, बात तो समझने की कोशिश कर, फोकस तो बना, फोकस ही नहीं है। मैं अगर ढंग से बताऊं तो 50% से ज्यादा बच्चों का फोकस ही नहीं है, दिमाग 10 और चीजों में इंगेज्ड है। कमेंट करते हो ना जिससे पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है वो सब तुम्हें पता है, लेकिन यहां क्या चल रहा है वो तुम्हें नहीं पता। भाई अपना दिमाग अगर चार जगह लगाओगे ना तो यहां पे नहीं कर पाओगे। फिजिक्स सही है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, साइंस सही है, न्यूमेरिकल करना है तुम्हें, स्कूल की पढ़ाई नहीं है, कॉम्पिटिशन की तैयारी है, 20 लाख लोगों से आगे निकलना है तुम्हें। गधे इंसान, बाकी की चीजों को छोड़ दे, दोस्ती यारी घर बार फोन मोबाइल सब छोड़ दे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर फोकस कर। ओवर थिंकिंग, अरे पढ़ोगे नहीं ढंग से, फोकस रखोगे, अगर तुम ढंग से पढ़ते हो तो सवाल करने से फुर्सत नहीं मिलेगा तुमको। बैकलॉग की बहस की आग, बैकलॉग कितनी बार मैंने बता दिया, 20 लेक्चर का बैकलॉग है तो भाई 20 लेक्चर का बैकलॉग 20 दिन में आए होंगे, जितने नंबर ऑफ लेक्चर सारे सब्जेक्ट मिला के हैं उतने ही दिन में आएंगे। 20 लेक्चर का बैकलॉग, चलो मैं बोलता हूं 3 क्लास होती है तो 20 लेक्चर का बैकलॉग 6 दिन में आया होगा, 6 दिन में आया होगा, उसको तो 12 दिन में कवर कर, डेली क्लास के साथ साथ 12 दिन में कवर कर। टाइम लगता है चीजों में, जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सारी दुनिया में इन्वॉल्व रहे, अपना दिमाग इधर भी लगाए इधर भी लगाए और यहां भी लगाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दिमाग ही आपके पास लिमिटेड है। भगवान ने दिमाग के नाम पे ना तुम्हारा सत्प्रैंक किया है, समझ गए, वो तो दिया नहीं पूरा, लेकिन जब तक जितना दिया है उसी को तो यहां लगा ले। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं सब कुछ, अगर तुम और सुन 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 सुन, बैकलॉग, रिवीजन, टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब बहाने उनके हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना है। जिनका सिलेक्शन होना है ना उनको टाइम बहुत मिल रहा है, क्योंकि वो टाइम को सही तरीके से यूज कर रहा है। तुम टाइम को सही तरीके से यूज करोगे नहीं और 50 तरह के बहाने बनाओगे। एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुन लो, हारता वही है जो कहता है समय ज्यादा चाहिए, हारता वही है जो कहता है समय ज्यादा चाहिए, जीतता वो है जो कहता है जितना समय है उसी में ज्यादा चाहिए। यह है विनर और लूजर के एटीट्यूड में डिफरेंस। तुम हारोगे, तुम हारोगे, तय बात है कि तुम हारोगे, तुमको समय ज्यादा चाहिए। तुम्हारेगा तू, अगर इस तरह की बातों को लेकर तू परेशान है, बैकलॉग है, परेशानों से बैकलॉग क्लियर तो नहीं होता है। अगर तू परेशान है, रिवीजन नहीं हो रहा तो नहीं होता सिलेक्शन। टाइम का यूज कर, पहले फोकस बढ़ा। 1 घंटा है, 1 घंटे को कोई 1 घंटे में जो पढ़ता है वो एक्स पढ़ता है, कोई दूसरा होगा जो 1 घंटे में 2x एफिशिएंसी निकालेगा फोकस और कंसंट्रेशन से। सवाल नहीं सॉल्व हो रहा फिजिक्स में, कोई उसको गोला करके आगे बढ़, अटक मत, रुक मत, सॉल्यूशन देख ले उसका, समझ गया। चलो